नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। आपको वोडाफोन आइडिया में क्या करना चाहिए, आपको ये स्टॉक्स अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको सेल करना चाहिए, अगर आपने बाय किया है तो उसे होल्ड करना चाहिए या आपको सेल कर देना चाहिए, तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिटेल में जानेंगे क्या रीज़न है कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक्स जो कभी 100 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी आपको 10 रुपीज़ के प्राइस पर मिल रहा है, यहाँ तक कि 3 रुपये के प्राइस तक आ चुका था। तो क्या रीजन है इसके पीछे और क्या रीजन है कि आपको इसको सेल कर देना चाहिए, मतलब क्या कंडीशन होगा, तो वोडाफोन आइडिया का जो प्राइस है वो 1 रुपया भी नहीं रहेगा, मतलब 1 रुपया के वैल्यूएशन पे भी इसका स्टॉक्स का प्राइस नहीं रह पाएगा। और क्या कारण होगा कि इसके स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज भी हो सकता है, मतलब दोनों कंडीशन है, इसका स्टॉक का प्राइस 1 रुपीज के बराबर भी नहीं हो सकता है। अगर वो कंडीशन उल्टा हो गया तो इसका वैल्यूएशन जो है 200 रुपीज पर स्टॉक से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे हैं इस चार्ट पे, ये देखिए वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है उसका चार्ट है। 1 डे में देख सकते हैं ये हमारा 5 पैसा डाउन है, 5 डेज में देखिएगा तो लगभग फ्लैट रहा है इसका चार्ट, और 1 मंथ में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। देखते हैं ये 4 रुपीज़ से के प्राइस से ये यहाँ तक जो हिट प्राइस है, मतलब 52 वीक हाई प्राइस है 13 रुपीज़ 15 पैसा वहाँ तक जा चुका था, मतलब इन्वेस्टर को ये अप्रॉक्स जो है मतलब 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका था। तो समझ सकते हैं यहाँ से हमारा देखिए 3 रुपीज़ 15 पैसा यहाँ से आप देखिएगा तो ये 52 भी कहा है, तो ये 300% तक का रिटर्न समझ सकते हैं यहाँ तक जा चुका था ये स्टॉक्स। वहीं हम 5 ईयर्स की बात करते हैं तो 5 ईयर्स में चार्ट देख लीजिए, 100 रुपीज़ से ये स्टॉक्स जो है 3 रुपीज़ तक आ चुका है। मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखिएगा तो ये देखिए स्टॉक्स ये काफ़ी बार अंडर परफॉर्म हुआ है, पहले भी ये स्टॉक्स देख सकते हैं 2007 में ये स्टॉक्स 100 रुपीज़ के आसपास, मतलब 80 रुपीज़ का पास था, फिर ये यहाँ से अंडर परफॉर्म रहा, फिर से ये परफॉर्म किया बीच में, फिर से देख सकते हैं काफ़ी ये अंडर परफॉर्म हो चुका है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम डेप्ट की बात करेंगे, कौन कौन से ड्यूज है वोडाफोन आइडिया के बारे में, उसके बाद हम इसके प्राइस मूवमेंट की बात करेंगे कि इसका प्राइस का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है। तो सबसे पहले हम आगे हैं NSE के वेबसाइट पर, यहाँ कारोबार देख लेते हैं। 52 भी कहा है 13 रुपया 15 पैसा ये 4 जुलाई को बनाया है, 4 जुलाई 2019 को, और यहाँ पर देख सकते हैं 52 वीक लो जो बनाया है वो 15 नवंबर को बनाया था 2 रुपया 40 पैसा का। और यहाँ से हम कंपनी इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ से फाइनेंशियल रिजल्ट में यहाँ पर प्रमोटर्स का होल्डिंग देखते हैं 72% है जो कि काफ़ी अच्छा है, पब्लिक का होल्डिंग मात्र 27.95% है। तो ये था हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब फाइनेंशियल रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो रिजल्ट में देख सकते हैं नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कितना है, बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर 6,41,000 रुपया नेट लॉस है, उससे पहले सितंबर क्वार्टर में 49,72,000 रुपया नेट लॉस था, लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन देख सकते हैं क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 86 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है जिसमें से 16,80,00,000 क्वांटिटी मात्र डिलीवर हुई है, मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इसमें मतलब ऑपरेटर्स का स्पेकुलेशन है वो चल रहा है और यहाँ पर हाई प्राइस पे वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, मात्र देख सकते हैं क्वांटिटी मात्र जो है 19.54% डिलीवर हुई है और इतना ह्यूज क्वांटिटी इसमें, क्योंकि ये हमारा रिटेल इन्वेस्टर का पसंदीदा स्टॉक्स है जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर का पसंदीदा स्टॉक्स है जो छोटे छोटे पैनिक स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे खरीदना बेचना। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पे क्या क्या हमारा ड्यूज है वोडाफोन आइडिया। सबसे पहले देख लीजिए वाइल दे डॉट्स एस्टिमेट फॉर द टोटल AGR ड्यूज ऑफ वोडाफोन आइडिया 53,000 करोड़, टोटल जो AGR ड्यूज है 53,000 करोड़, ये हमारा जो डिपार्टमेंट है टेलीकॉम डिपार्टमेंट उसकी ओर से। एज इट सेल्फ असिस्मेंट एस्टिमेट द टोटल अमाउंट टू बी RS 23,000 करोड़, जबकि जो
वोडाफोन आइडिया का अपना एस्टिमेट है 23,000 करोड़ एजीआर ड्यूज है उनके ऊपर। आउट ऑफ 23,000 करोड़ टेलीकॉम ऑपरेटर्स एस्टिमेट इस प्रिंसिपल अमाउंट टू बी देखते हैं 6,854 करोड़, प्रिंसिपल अमाउंट जिसमें से मात्र है 6,854 करोड़। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि एजीआर ड्यूज के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाला है, ये हियरिंग 18 जून को है, 18 जून को है, जिसमें तय किया जाएगा एजीआर ड्यूज पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है, कब तक का टाइम देता है इस ड्यूज को मतलब पे करने का, या इस ड्यूज पे कोई रिलीफ देता है कंपनियों को। अगर कंपनी को रिलीफ दे देता है तो समझ जाइए वोडाफोन आइडिया को अगर रिलीफ मिल जाता है एजीआर ड्यूज में, तो ये स्टॉक्स का वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो जाएगा। लेकिन अगर एजीआर ड्यूज पे करने कहा जाता है वोडाफोन आइडिया को, तो इसमें भी बहुत सारा कंडीशन हमारा जो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है, सिक्योरिटी हाउस है, वो लगा रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में, 1 साल 2 साल उससे भी कम टाइम फ्रेम में अगर कह दिया, तो वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसा हमारा नहीं, ब्रोकरेज हाउस का कहना है, और साथ साथ ये भी कहना है अगर इसे अलाउ कर दिया जाए 20 इयर्स तक में पे कीजिए, जो एजीआर ड्यूज है 20 इयर्स में पे कीजिए, तो पर भी 5,000 करोड़ हर साल पे करना पड़ेगा एजीआर ड्यूज वोडाफोन आइडिया को। उसके बाद यहाँ पर हम और जो इन्फॉर्मेशन है आप देख लीजिए, वोडाफोन आइडिया ऑन अकाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम आर गोइंग टू बी अराउंड, जो ड्यूज है हमारा स्पेक्ट्रम का देख सकते हैं इतना बिलियन है, स्पेक्ट्रम का ड्यूज $11.7 बिलियन, और एजीआर ड्यूज जो है हमारा $6.8 बिलियन। और वहीं नीचे देखिए तो जो टेंजिबल नेट टेंजिबल एसेट है वोडाफोन आइडिया का, जो टेंजिबल एसेट है वो 40,000 करोड़ है इसके पास, और जो वैल्यूएशन है हमारा आइडिया का थी वोडाफोन आइडिया का 1.2 लाख करोड़। यहाँ पर एक्सपर्ट का व्यू है, अपार्ट फ्रॉम 8,000 करोड़ जो है इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और 12,000 करोड़ जो है इनकम टैक्स रिफंड है वोडाफोन आइडिया के पास। और उस वहीं कंपनी के ऊपर जो नेट डेप्ट है, नेट डेप्ट देख लीजिए 1.1 लाख करोड़, ये ह्यूज डेप्ट जो है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, यही वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स को डुबा दिया है। समझ सकते हैं इतना हैवी मतलब हमारा वोडाफोन आइडिया के ऊपर डेप्ट है, जबकि रिलायंस के पास भी 1.8 लाख करोड़ का डेप्ट है, जिसके कारण आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री भी परफॉर्म नहीं कर पा रही, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है। और वोडाफोन आइडिया आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट भी लॉस में जा रहा है, जबकि इसके जो रिलायंस का एक सब्सिडरी है जियो, उसके बराबर भी वोडाफोन आइडिया नहीं है, क्योंकि जियो जो हमारा है टेलीकॉम सेक्टर का लीडिंग कंपनी है, वो भारतीय एयरटेल से भी आगे निकल चुका है, तो समझ सकते हैं। और जो स्पेक्ट्रम लाइबिलिटीज है 11.7 बिलियन है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। और यहाँ भारतीय एयरटेल से कंपेयर भी किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय एयरटेल 7 से 8 बिलियन जो है वो रेज कर चुका है, और बहुत सारा एजीआर ड्यूज वो पे भी कर चुका है वोडाफोन आइडिया के तुलना में। भारतीय एयरटेल के ऊपर जो एजीआर ड्यूज अब बचा हुआ है बहुत ही कम बचा हुआ है उसके पास। यहाँ पर देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया इतना करोड़ एजीआर ड्यूज, इट हैज़ पेड ओनली देख सकते हैं 6,854, भारतीय एयरटेल ऑन्स इतना 1,000 करोड़ देख सकते हैं 25,000 करोड़ एजीआर ड्यूज है भारतीय एयरटेल के पास, जबकि ये 18,000 करोड़ पे भी कर चुका है। तो ये अगर जो हियरिंग होगा 18 तारीख को, अगर वो टेलीकॉम कंपनियों के फेवर में आती है, तो निश्चित है आपको वोडाफोन आइडिया का स्टॉक्स में तेजी देखने मिल सकता है। तो अब इन आशा को देखते हुए अब हम बात करते हैं, तो ये देख सकते हैं अभी 10 रुपये का स्टॉक्स है, अगर जो हमारा 18 जून को हियरिंग है वोडाफोन आइडिया के फेवर में आता है, तो ये स्टॉक्स फिर यहाँ आपको इस प्राइस पर देखने नहीं मिलेगा। मतलब एजीआर ड्यूज में अगर रिलीफ मिल जाता है तो निश्चित है कि इसका डेप्ट कम होगा, तो निश्चित है कि इसमें मतलब तेज़ी देखने मिलेगा आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर में। तो 10 रुपये का शेयर हो सकता है 20 पे चला जाए, 50 पे चला जाए, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो निश्चित है कि आप भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करें, क्योंकि
जियो तो लिस्टेड नहीं है और भारतीय एयरटेल ही दूसरी वो कंपनी है जो कि वोडाफोन आइडिया को अगर AGR में रिलीफ नहीं मिलता है तो इसका स्टॉक मतलब ये तो कंपनी को शट डाउन हो सकता है, करना पड़े। तो वैसे में दो ही मार्केट में बचेगा, एक जियो, दूसरा भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में आपको काफ़ी तेज़ी देखने मिल सकता है। अगर AGR ड्यूज में रिलीफ नहीं मिला तो ये स्टॉक्स 10 रुपये से 1 रुपये के प्राइस पर भी आ सकता है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जो रिजल्ट रहा है पिछले क्वार्टर का। अब देखिए ये हम BSE इंडिया पर आपको इसका रिजल्ट दिखा रहे हैं जो हमारा देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर है, क्योंकि अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट वोडाफोन आइडिया का आया नहीं है। तो रेवेन्यू देख सकते हैं 11,000 करोड़ था जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दिसंबर क्वार्टर 18 से कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं कि रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ था। उसके बाद हम अदर इनकम में बात करें तो देख सकते 311 करोड़ था जो कि इंक्रीज़ हुआ था अदर इनकम, तो ये तो खास मायने नहीं रखता है, बहुत ही कम है अदर इनकम। अब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिएगा निगेटिव में मतलब लॉस में है, 6,417 देखते हैं इतना का नेट लॉस में था। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर 18 में भी ये नेट लॉस में था और ये नेट लॉस इंक्रीज हुआ था दिसंबर 19 में। उसके बाद यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखिएगा 2 रुपीज़ इतना है और निगेटिव में, अर्निंग पर शेयर निगेटिव में है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दिसंबर 18 में वो भी निगेटिव में था, मतलब अर्निंग पर शेयर थोड़ा निगेटिव में जो था वो डिक्रीज हुआ था, मतलब निगेटिव में जो गया था बहुत ज़्यादा अर्निंग पर शेयर वो उसमें डिक्रीज आया था, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है निगेटिव में वो इंक्रीज हुआ था। तो ये आप जान लीजिए कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर इतना डेप्ट है कि आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर भी निगेटिव में है, तो इसका शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए आप यहाँ से जज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि आप वोडाफोन आइडिया का शेयर बाय करना चाहिए या नहीं। हमारी ओर से रिकमेंडेशन यही है कि आप भारतीय एयरटेल के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो है मार्केट में कंपटीशन अगर AGR ड्यूज में रिलीफ नहीं मिलता है तो सिर्फ भारतीय एयरटेल और जियो के बीच होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।